वेलकम फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाइयों, काफ़ी महिलाओं और पुरुषों के सिर के बाल टूटते हैं, झड़ते हैं, उनके बाल पतले हो गए हैं, काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं, जिससे वो काफ़ी परेशान हो गए हैं। सिर के बालों की इन समस्याओं को ठीक करने के लिए काफ़ी सारा इलाज भी कराते हैं, लेकिन भाइयों, काफ़ी सारे लोगों को इलाज कराने के बाद भी किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं मिलता है और लंबे समय तक सिर के बालों के झड़ते रहने से उनको गंजापन आ जाता है, जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो भाइयों, आज मैं आपको सिर के बालों के झड़ने की समस्या को ठीक करने का देसी घरेलू इलाज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो भाइयों, इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। तो भाइयों, जिन लोगों के सिर के बाल टूटने लग गए हैं, झड़ने लग गए हैं, तो उनको सबसे पहले थायराइड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट को करा लेना चाहिए। अगर इस जांच में अगर आपको थायराइड की शिकायत आती है और आप उसका इलाज कराएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि भाइयों, थायराइड की बीमारी में सिर के बाल झड़ने लग जाते हैं। तो भाइयों, थायराइड की बीमारी का क्या सही इलाज होता है, इस विषय में मैंने अपने चैनल पर वीडियो बनाकर डाल दिया है। तो जो लोग थायराइड की बीमारी का इलाज लेना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पर जाएं और वीडियो को देखकर दवा का प्रयोग करें तो उनको पूरा फ़ायदा मिल जाएगा। तो भाइयों, जिनको थायराइड की शिकायत आती है तो उनको थायराइड का भी इलाज कराना है और उसके साथ मैं जो आपको घरेलू तरीका बता रहा हूँ उसका भी पालन करना है तो आपको पूरा फायदा मिलेगा। लेकिन जिन लोगों को थायराइड की शिकायत नहीं आती है तो उन लोगों को थायराइड की दवा का प्रयोग नहीं करना है, उनको केवल मेरे देसी नुस्खे का प्रयोग करना है। तो भाइयों, आपको करना क्या है कि आपको एक तेल लेना होता है जो अरंड का तेल होता है और आप डाबर कंपनी का ले लें। इसको भाइयों, आपको जितना आप अपने सिर के बालों में लगा सकते हैं, 2 या 3 चम्मच आप ले लें, जितना आप एक बार में अपने सिर में और सिर के बालों में लगा सकते हैं उतना आप तेल ले लें किसी कटोरी में। फिर भाइयों, आपको एक कैप्सूल लेना होता है जिसका नाम है एवियन, ये 400 mg में आता है। इस कैप्सूल को आपको 2 कैप्सूल पैकेट में से निकालने हैं और भाइयों, उनको काट कर उसके अंदर की जो दवा है वो आपको इस तेल में मिला लेना है और अच्छी तरह से उसको मिला लें। मिलाने के बाद भाइयों, आपको रात को सोते समय इस पेस्ट की मालिश बालों पर और बालों की जो जड़ें होती हैं उस पर भाइयों मालिश करना है। रात को हल्के हाथ से मालिश करना है, कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए। फिर भाइयों, आपको सो जाना है और भाइयों, आपको सुबह या तो ताजे पानी से या हल्के गर्म पानी से किसी अच्छे शैम्पू के माध्यम से आपको अपने बालों को अच्छी तरह से धो लेना है। ये काम भाइयों, आपको 2 दिन के बाद 3रे दिन करना होता है। जैसे मान लीजिए, अगर आपने आज रात को ये काम किया है तो आपको 2 दिन बाद दोबारा से रात को ही इस काम को करना होता है। आपको लगातार करना है और जब तक करना है जब तक आपके जो बाल झड़ रहे हैं वो झड़ना बंद ना हो जाए। भाइयों, इसका किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, आप लगातार भी लगाते रहेंगे, हमेशा लगाते रहेंगे तो उसका किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। और भाइयों, आपको इस कैप्सूल को 1 कैप्सूल रोज खाना भी होता है लगातार 2 महीने तक। और भाइयों, आप नॉर्मल में जो तेल लगाते हैं उसमें आपको केवल सरसों के तेल का प्रयोग करना है, वो भी आपके घर का होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, उसको आप रोज सिर में लगाएं और लगातार लगाते रहें। तो भाइयों, अगर आप मेरे देसी नुस्खे का प्रयोग करेंगे तो आपके जो सिर के बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, पतले हो गए हैं,
और कमज़ोर हो गए हैं, तो भाई वो पूरी तरह से वो ठीक हो जाएंगे, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। भाइयों अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो भाइयों आप मुझसे कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। नमस्कार भाई।